लोग पावर बी को क्यों यूज़ करते हैं और 11 ऐसे बेनिफिट्स जो पावर बी को यूज़ करने के बाद आपकी स्किल्स को इन्हांस करने वाले हैं लेट्स जंप इन टू इट पावर बी के 11 ऐसे बेनिफिट्स हैं अगर आप पावर बी को सीख जाते हैं तो आप डेटा विजुअलाइजेशन और डिफरेंट किस्म के जो टास्क है पावर बी को यूज करते हुए बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और इंडस्ट्रीज भी इन्हीं 11 बेनिफिट्स की बेस पे पावर बी को प्रेफर करती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर टूल्स uh, जो इसके कंपैरिजन के अंदर मौजूद है मार्केट में सबसे पहले डेटा इंटीग्रेशन पावर बी आपको अलाउ करता है बहुत ज़्यादा रिसोर्स के थ्रू या सोर्स के थ्रू डेटा को इंटीग्रेट करना यानी कि आप एक्सल स्प्रेडशीट से डेटा ले आ सकते हैं एस का के डेटा लेके आ सकते हैं ट्रेडिशनल डेटा से डेटा को लेके आ सकते हैं कोई भी ऐसा डेटा बेस एस क्यू एल हो नो एस क्यू एल हो कोई भी ऐसा डेटा बेस जो इस वक्त दुनिया में यूज़ किया जा रहा है फॉर स्ट्रक्चर या नॉन स्ट्रक्चर डेटा के लिए भी जब उसको स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है यू कैन एक्चुअली यूज पावर बी आई टू एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्राम तौर पर ऐसा डेटा सेट जो एस क्यू एल एंड नो एस क्यू एल के रिलेशनल और नॉन रिलेशनल डेटा बेस के अंदर हम यूज़ करते हैं बट देर आर मेरी अदर थिंग्स जो आपको इन आने वाले दिनों के अंदर भी मैं बताऊँगा सो डेटा इंटीग्रेशन इज़ वन ऑफ द थिंग्स सेकेंड वन इज़ कॉल्ड रियल टाइम एनालिटिक्स रियल टाइम से मुराद ये है कि पावर बी के साथ आप क्या कर सकते हैं आप अपना रियल टाइम एनालिटिक्स या डैशबोर्ड बनाएंगे जैसे कि आपने डेटा को इंटीग्रेट किया और वो डेटा अगर हर डे वाइज चेंज होता जा रहा है तो आपका डैशबोर्ड भी चेंज होता जाएगा जैसे कि स्टॉक मार्केट का डेटा है जैसे कोई ऐसा डेटा है जो अटेंडेंस या आपका खास तौर पे टाइम पे डिपेंडेंट डेटा है जिसको हम टाइम सीरीज एनालिसिस भी बोलते हैं तो जैसे जैसे वो डेटा अपडेट होता जाएगा वैसे वैसे पावर बी के डैशबोर्ड भी अपडेट होते जाएंगे सो योर डेटा एंड डैशबोर्ड्स अपडेट एज सून एज द अंडरलाइन डेटा चेंजेस दिस इज क्रुशल फॉर टाइम सेंसिटिव डिसीजन एंड स्टेइंग अपडेटेड विद द लेटेस्ट इंफॉमेशन खासतौर पर ऐसे डैशबोर्ड जिनके अंदर आपको भी पता है टाइम डिपेंडेंस होती है फॉर एग्जांपल आपका वेदर का डेटा हो गया स्टॉक मार्केट का डेटा हो गया डॉलर की प्राइसेस ऊपर नीचे आने का डेटा हो गया तो डैशबोर्ड जब आप पावर बी आई बनाते हैं पीछे जब आप डेटा को इंटीग्रेट कर देते हैं तो जैसे डेटा अपडेट होगा वैसे डैशबोर्ड अपडेट होंगे अगला जो हमारे पास बेनिफिट है तीसरा वो ये है कि इंटरेक्टिव विजुलाइजेशन पावर बी के थ्रू आप जब भी कोई विजुलाइजेशन बनाते हैं तो वो इंटरेक्टिव होगी यानी कि जैसे आप उस एक ए, विजुअलाइजेशन के ऊपर अपने माउस को होवर करेंगे तो आपको इंटी जो खास तौर पे इंटरेक्टिव एवेल्यूशन के थ्रू वो आपको बताएगा कि इस पॉइंट पे कौन सा डेटा अवेलेबल है ठीक है और ये काम प्लॉटली भी करता है ये काम अदर डैशबोर्ड्स भी करते हैं एक्सेल के अंदर भी आप ये काम कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ प्लग इंस आप टैबल्यू के अंदर भी कर सकते हैं लेकिन पावर बी के अंदर खास तौर पर बहुत बड़ा डेटा जो है आप उसको अनकवर कर सकते हैं और उसकी इनसाइट्स को विद द माउस होवरिंग आप चेक कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इस एक पॉइंट का डेटा चाहिए है तो मैं इस पर इस तरीके से होवर करूंगा और डेटा मेरे पास आ जाएगा आई विल शो यू इन अपकमिंग वीडियोस दैट वन एक्सेसिबिलिटी पावर भी क्या है ये एक्सेसिबल है ऑन मल्टीपल डिवाइसेस यानी कि आप डेस्कटॉप में भी इसे यूज़ कर सकते हैं मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं और ऑनलाइन वेबसाइट पर भी यूज़ कर सकते हैं और हम प्रोडक्ट्स में जब बात करेंगे तो पावर भी की डिफरेंट किस्म की जो एक्सेसिबिलिटी पावर है वो उसको यूज़ करके हम देखेंगे दिस मीन्स दैट डिसीजन मेकर्स एंड टीम मेम्बर्स कैन एक्सेस रिपोर्ट्स एंड इनसाइट्स फ्रॉम एवरीवेयर यानी कि आपने कोई भी एक डैशबोर्ड बनाया और आपके बॉस जो हैं या आपके जो सीनियर हैं वो उसी डैशबोर्ड को प्रॉम्प्टली देखना चाह रहे हैं तो उनको पीसी पे जाने की ज़रूरत नहीं है दे कैन व्यू दैट डैशबोर्ड ऑन देयर सेल फोन्स दे कैन व्यू देयर डैशबोर्ड्स ऑन द वेबसाइट दे कैन ऑल्सो व्यू देयर डैशबोर्ड अगर उनके पास डेस्कटॉप का वरियन पावर बी आई का मौजूद है सो दैट्स वाई इट्स मोर एक्सेसिबल और इसके थ्रू आप ज़्यादा डेटा को अच्छे तरीके से एक्सेस कर पाएंगे और उससे डिसीजन मेकिंग आप कर सकते हैं ठीक हो गया जी अगला जो पाँचवा इसका बेनिफिट है दैट इज़ यूज़र फ्रेंडलीनेस पावर बी आई इतना यूज़र फ्रेंडली है कि अगर आप आज सीखना स्टार्ट करें यू कैन मास्टर पावर बी आई इन एटलीस्ट फिफ्टीन टू थर्टी डेज़ और जो हमारे इस कोर्स का मकसद भी है बाई द वे अगर आप पावर बी आई टैब्ल्यू सीख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दिए हुए हैं वहाँ पर जाके आप बाकी जो लेक्चर्स हैं इसी कोर्स के वो देख सकते हैं और ये डिज़ाइन इस वजह से किया गया यूज़र फ्रेंड्डली इंटरफेस इसका ड्रैग एंड ड्रॉप के बेस पर जो आने वाला पॉइंट भी है बिकॉज़ पावर बी आई मेक्स इट रिलेटिवली ईजी फॉर नॉन टेक्निकल यूज़र्स क्योंकि आपने देखा है बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कोडिंग नहीं सीखना चाहते तो उन्हें सिर्फ ऐसे माउस से पकड़ने और ड्रैग एंड ड्रॉप करने तो उस तरीके से इसे इन्हें यूज़ करना है तो इस वजह से पावर भी है। जो है इसी वजह से एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस की वजह से ही कुछ पैसे चार्ज करता है फॉर इंटरप्राइज़ लेकिन आप देखेंगे कि फ्री वर्जनस भी इसके मौजूद हैं और रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड बहुत आसान है इसे बनाना ठीक है और ये क्या करता है बेसिकली दिस डेमोक्रेट डेमोक्रेटाइजिस डेटा एनालिटिक्स यानी कि हर बंदा डेटा एनालिसिस कर सकता है और मोर मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू जनरेट इनसाइट्स फ्रॉम द डेटा ठीक हो गया और इसी के साथ एक पॉइंट छठा जो है वो अटैच मैंने किया दैट इज़ ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस आप एक चीज़ को ड्रैग करें ड्रॉप करें आपका प्लॉट बन जाएगा और आने वाले दिनों के अंदर यू विल सी के ड्रैग एंड ड्रॉप के इंटरफेस के थ्रू आप बेसिकली विद इन फ्यू सेकेंड्स कोई भी प्लॉट आप बना सकते हैं और उसे सेव भी कर सकते हैं तो ये पावर बी का सबसे बड़ा एडवांटेज है जिसको हम यूजर फ्रेंडलीनेस या ट्रैक एंड ड्रॉप इंटरफेस बोलते हैं सेवंथ इज कोलेबोरेशन एंड शेयरिंग आप अपना डैशबोर्ड बना के अपने टीम मेंबर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं अपने जूनियर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं अपने सीनियर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं और कम्युनिटी के साथ भी शेयर कर सकते हैं से फॉर एग्जांपल आपने कोई भी डैशबोर्ड बनाया है और वो डैशबोर्ड बेसिकली आप अपने टीम के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप इसको अपलोड करेंगे पावर बी के एक वर्जन के ऊपर और उन सर्विस पावर बी के सर्विस वर्जन जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनली वो पावर बी का जो लिंक है आप शेयर कर सकते हैं और आपकी टीम उसे देख सकती है बिफोर एक्चुअली वर्किंग दैट टू द मार्किट पब्लिशिंग दैट टू द मार्किट और ये डैशबोर्ड आपके स्टेक होल्डर्स या डिफरेंट टीम मेम्बर्स उसको अच्छे से ईजीली एक्सेस कर पाएंगे और एन दे केन एक्चुअली सजेस्ट यू कि कहाँ पर चेंज करनी है इसी वजह से इंडस्ट्रीज़ पावर बी आई को प्रेफर करती हैं एडवांस एनालिटिक्स के लिए एट्थ पॉइंट जो है पावर बी आई बहुत यूज़ होता है बहुत किस्म की सोफिस्टिकेटेड एनालिसिस पावर बी आई जो है वो इंटीग्रेट करता है विद एज़ोर मशीन लर्निंग एस क्यू एल सर्वर एनालिसिस सर्विसिज़ एंड अदर एडवास एनालिटिक्स सर्विसिज़ यानी कि एज़ोर क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है पावर बी ए तो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट्स से मुराद है कि माइक्रोसॉफ्ट की जितनी अदर प्रोडक्ट्स हैं जिसमें एस क्यू एल सर्वर एनालिसिस भी है एज़ोर भी है मशीन लर्निंग के डिफरेंट थ्यूरीज भी हैं एंड देर आर मैनी अदर मॉडल्स जहाँ पर पावर बी आई जो है वो बेसिकली ज़्यादा यूज़ होता है क्यों क्योंकि ये बेसिकली आपको डेटा विजुलाइजेशन के लिए एंड टू एंड ईजीनेस और फ्रेंडली इंटरफेस के साथ आपको प्लाट्स बना के देता है और यह आपको अलाउ करता है टू परफॉर्म कम्प्लेक्स मॉडलिंग फोरकास्टिंग एंड प्रोडिक्टिव एनालिटिक्स जो हम इन डेटा एनालिसिस के अंदर देखने भी वाले हैं मॉडल भी आप बनाएंगे फॉरकास्ट भी करेंगे एंड देन प्रोडिक्टिव एनालिटिक्स भी कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज़ कॉस्ट इफेक्टिवनेस ये बेसिकली ऑफर्स ए कम्पिटेटिव प्राइसिंग मॉडल ये इसका एक फ्री वर्जन भी अवेलेबल है अगर आप सीख रहे हैं ओबियसली हम फ्री वर्जन को यूज़ करेंगे इसका एक प्रो वर्जन अवेलेबल है फिर ये सस्ता है एज़ कम्पेयर टू अदर टूल्स जैसे टैबलू है या अदर प्राइसिंग मॉडल्स हैं उनसे ये सस्ता है रीज़न क्या है कि ये फ्री वर्जन आपको सीखने के लिए देता है टैबल्यू की तरह लेकिन प्रो वर्जन भी फ्राहम करता है विद टेन डॉलर पर मंथ जो बहुत ही चीप है जिससे आप कोलेबरेटिव फ़ीचर्स जो हैं उस पर काम कर सकते हैं और ये एक्सेसिबल करता है टू स्मॉल साइज बिजनेसेस के लिए भी एंड स्टार्टअप्स के लिए भी और लार्ज इंटरप्राइज़ के लिए भी क्योंकि माइक्रोसॉफ़्ट आपको पता है कि वो इतनी ज़्यादा प्राइस नहीं रखते कि को कोई उसे बाई ना कर सके या परचेज़ ना कर सके ऑन दी अदर साइड दे रिड्यूस द प्राइस टू ए वर्जन जो एक आदमी प्रो वर्जन जो है उसे यूज़ कर सके और थोड़ी सी प्राइस देकर उसके फंक्शंस को एक्सेस कर सके दैन द टेंथ इज सिक्योरिटी फीचर पावर बी जो है आपको स्ट्रांग सिक्योरिटी फीचर्स भी प्रोवाइड करते हैं इंक्लूडिंग डेटा सेंसिटिविटी क्लासिफिकेशन आप डेटा को सेंसिटिविटी क्लासिफिकेशन के थ्रू बता सकते हैं कि ये डेटा मैंने शेयर नहीं करना ये डेटा किसी के साथ शेयर ना किया जाए आप डेटा लॉस प्रिवेंशन कर सकते हैं यानी कि जब आप कोलेबरेटिव टीम के अंदर काम कर रहे हैं तो आपका डेटा आपके लिए सेफ भी होता है इनक्रिप्टिड भी होता है और आपका डेटा एंड रिपोर्ट सिक्योर भी होते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़ एंड स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखते हुए आपका डेटा और डैश पोर्ट कहीं कोई और ना देख सके और यही पावर है पावर बीआई की विच मेक्स इट रियली गुड क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है और आपको पता है कि रिसेंटली ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट और देर आर मेनी अदर टूल्स खासतौर पे माइक्रोसॉफ्ट को पायलट भी आ चुका है एआई फीचर्स भी उसके अंदर इंक्लूड करने वाले हैं बट वी विल टॉक अबाउट दैम लेटर ऑन सो सिक्योरिटी फीचर इज वन ऑफ द बेसिक मेन थिंग फॉर पावर बी आई इलेवेंथ द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस स्केलेबिलिटी यानी कि अगर आपने कोई भी काम पावर बी आई से एक छोटे लेवल पर किया और वो डैशबोर्ड आपकी स्मॉल प्रोडक्ट से स्मॉल प्रोजेक्ट से लार्ज इंटरप्राइज प्रोजेक्ट तक वो डिप्लॉय करना चाहते हैं दे कैन डू देट यूजिंग पावर बी आई के जो इंटरप्राइज uh, लेवल uh, का जो इनका सॉफ्टवेयर है खासतौर पर आपके स्मॉल डेटा के ऊपर अगर आपने कोई मॉडल ट्रेन किया वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा के ऊपर भी सेम मॉडल काम कर सकता है अगर आपने उसको कुछ मैं बोलूँगा कि कुछ की पॉइंट्स को मद्देनजर रख के काम किया हुआ है सो बेसिकली अगर हम बात करें एम एल ओप्स यूजिंग एजोर तो आप उसके अंदर भी ये एम एल ऑप्स मशीन लर्निंग ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ या आप कोई मॉडल को डिप्लॉय करना चाहते हैं या आपने एक छोटे डेटा पे कोई काम किया और आप उसका बड़े डेटा पे डैशबोर्ड बनाना चाहते हैं यू कैन यूज़ पावर बी आई फॉर दैट तो ये ग्यारह पॉइंट है मैं इनको एक दफ़ा गो थ्रू कर देता हूँ ताकि आपके सामने रहें पहला पॉइंट है डेटा इंटीग्रेशन दूसरा रियल टाइम एनालिटिक्स तीसरा है इंटरेक्टिव विजुलाइजेशन चौथा है एक्सेसिबिलिटी पाँचवां है यूजर फ्रेंडलीनेस छठा है ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस सातवां है कोलेबोरेशन एंड शेयरिंग आठवां है एडवांस एनालिटिक्स नवा है कॉस्ट इफेक्टिवनेस दसवां है सिक्योरिटी फीचर एंड द वन इज स्केलेबिलिटी। अब ये ग्यारह फीचर जनाबे वाला ऐसे कमाल के फीचर हैं कि अगर आप इन फीचर्स को देखते हुए भी पावर बी को सीख जाए तो बिलीव मी आप एक मजे हुए डेटा एनालिटिक्स के यानी क्या होता है डेटा एनालिस्ट बन जाएंगे देखा मेरा माइंड जो है यहाँ पे स्किप कर जाता है नो मीजन होता सो आपने अभी कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है डेटा एनालिस्ट रीजन क्या है इससे मुझे पता चलेगा कि आप कितनी गौर से लेक्चर सुन रहे हैं एंड इट विल हेल्प मी टू रिकॉर्ड मोर लेक्चर्स फॉर यू इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट पावर बी को सीखते रहें अब यहाँ पे एक बोनस मैं आपको देता जाऊँ ये एक टॉप टेन बिजनेस बेनिफिट्स ऑफ़ यूजिंग पावर बी आई ड्रैगन ड्रॉप फंक्शनैलिटी एम्बेडेड एट्रीब्यूट्स रिच फीचर्स हैं सुपीरियर एक्सेसिबिलिटी या पावरफुल कनेक्टिविटी या मीनिंगफुल रिपोर्ट्स आप बना सकते हैं कॉन्टिन्यूस अपडेट्स हैं यानी कि टाइम सीरीज का डेटा जो मैंने बताया डेटा रिफ्रेश नो अप फ्रंट कॉस्ट एंड अनकवर एक्शनेबल इन साइट्स ये अगर आप इस चीज़ का स्क्रीन शॉट ले लेंगे इट विल हेल्प यू टू ग्रो विद ग्रोइंग पावर बी आई एनालिटिक्स इसी के साथ ही मुझे इजाजत दें आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद अमारतुफेल यहाँ पर भी लिखा आ रहा है और मैं आपको पावर बी आई सिखा रहा हूँ आप सीख रहे हैं ना राइट हाउन इन दमेंट सेन